I hope all you be well. Myself Shalini Bharadwaj. I will teach you Hindi. तो थर्ड क्लास स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य शुद्धियां तथा उनके शुद्ध रूप। जो आप अशुद्ध शब्द लिखते हैं ना, उसके शुद्ध रूप क्या है और हम उन्हें कैसे बनाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे मैंने कराया, मान लीजिए अशुद्ध शब्द कि मैम ने जो कराया उनको लर्न कर रहे हैं, उनको याद कर लें तो हम ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई भी चीज हिंदी में वर्ड नहीं होती है और जो मात्राएं होती है वे याद नहीं की जाती है उच्चारण से। हिंदी में क्या होता है, जो उच्चारण करते हैं उसी के आधार पर आप शब्द लिखते हैं, उसी के आधार पर क्या होता है, आप शब्द लिखते हैं। तो वर्तनी और मात्रा याद नहीं की जाती है, लेकिन उच्चारण करने में कभी कभी जैसे छोटा आ है, छोटा आ की जगह बड़ा लिख दिया आपने, छोटी है उसकी जगह बड़ी का प्रयोग हो गया, तो वो उच्चारण करने में मिस्टेक होती है। उच्चारण करने में जो गलती होती है उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, हम शब्दों को लिखते हैं। तो उच्चारण में गलती होती है, वर्तनी और मात्रा में गलती नहीं होती है। वर्तनी और मात्रा आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर उच्चारण सही होगा तो आप शब्द भी सही लिखेंगे। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, सामान्य अशुद्धि तथा उनके शुद्ध रूप। आइए देखिए, इधर देखिए अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, इधर शुद्ध शब्द। आपने सेकंड क्लास में भी सीखे हैं, करें हैं, कौन सी मात्रा कहाँ आती है, जब उच्चारण करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं। आइए देखते हैं, देखिए फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, अध्ययन। क्या लिखा हुआ है, अध्ययन। लेकिन इसका शुद्ध शब्द क्या है, उच्चारण क्या होगा इसका, मैं अभी क्या बोल रही हूँ, अध्ययन। अगर मैं अध्ययन बोल रही हूँ तो लिखा जाएगा ये ऐसे, लेकिन मैं अध्ययन बोल रही हूँ तो ये कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से। अध्ययन अगर मैं बोल रही हूँ तो कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से। अब देखिए आगे, ये लिखा हुआ है अनुकूल। क्या लिखा हुआ है, अनुकूल। का पे कौन सी मात्रा लगी है यहाँ पर, छोटे ऊ की, ठीक है, लेकिन लिखा क्या जाता है, अनुकूल, ठीक, अनुकूल। तो का पे कौन सी मात्रा है इधर, बड़े ऊ की। तो मैंने आपको बताया कभी छोटे ऊ से बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है तो उच्चारण करने में गलती होती है। अगर उच्चारण करने में गलती होती है तो हम लिखते भी गलत है, जो हम सुनते हैं वही हम लिखते हैं। आगे देखिए, आधीन। क्या लिखा हुआ है, आधीन। जबकि आधीन नहीं होता, क्या होता है, अधीन। क्या होता है, अधीन, मैं इसके अधीन हूँ, आधीन नहीं होता है। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं, ठीक, अधीन होता है, आधीन नहीं होता है। बहुत से बच्चे अच्छा माइंड में भी सेट कर लेते हैं, एक बात आप जान लीजिए, बहुत से बच्चे माइंड में भी सेट कर लेते हैं, नहीं यही होगा, आधीन हूँ। बहुत से बच्चों का माइंड में भी सेट रहता है कि नहीं, इस पर तो बड़े आपकी मात्रा ही आएगी। बहुत से बच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि वो याद कर लेते हैं उस चीज को, ठीक है। अब देखिए आकांक्षा, क्या लिखा हुआ है, आकांक्षा। आकांक्षा नहीं होता, क्या होता है, आकांक्षा। क्या होता है, आकांक्षा। अब देखिए आप बड़ा आएगा यहाँ पे, ये क्या है, छोटा आ, ये क्या है, अशुद्ध शब्द। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, उज्ज्वल। इसमें बहुत सारे मिस्टेक, इस शब्द में बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये क्या है, उज्ज्वल। मैं क्या बोल रही हूँ, उसको उच्चारण कर रही हूँ मैं, उज्ज्वल, जबकि आएगा उज्ज्वल, जबकि आएगा उज्ज्वल, ये उज्ज्वल लिखा है, उज्ज्वल, उज्ज्वल नहीं है, उज्ज्वल, ओके। अब देखिए ये है उपलक्ष्य, क्या लिखा हुआ है, उपलक्ष्य, जबकि होता क्या है, उपलक्ष्य, उसके उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, ऐसे बोलते हैं ना, किसी भी चीज के उपलक्ष्य में, जैसे जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी रखी, तो ये होता है उपलक्ष्य। आपको समझ आ रहा होगा सारी चीजें। आगे देखिए ये लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है इन शब्दों में, जो छोटा, जैसे आदि शब्द स्टार्ट होता है, देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है, कियारी, ये क्या है, कियारी, जबकि लिखा क्या जाता है, क्यारी। क्या लिखा जाता है, क्यारी। जैसे आप एक शब्द ले लीजिए स्वार्थ, बहुत से बच्चे क्या लिख देंगे इसको, अच्छा पे छोटी की मात्रा लगा देंगे, स्वार्थ हो गया, स्वार्थ, स्वार्थ नहीं होता, वो क्या लिखा जाता है, स्वार्थ, इस तरह से लिखा जाता है। इसमें भी बहुत से बच्चे इन शब्द में मिस्टेक करते हैं, तो आपको कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप सही से लिख पाएंगे। अब आगे देखिए कार्य कर्म, क्या लिखा हुआ है, कार्य कर्म। इसमें क्या मिस्टेक है, आपको क्या दिख रही है, केवल रा की, कि रा कौन सा आएगा, ठीक। अब देखिए ये कार्यक्रम होता है ना कि कार्य कर्म, क्या होता है, कार्यक्रम होता है ना कि क्या होता है, कार्य कर्म, कर्म बोल रही हूं मैं, ये है क्रम। आप समझिएगा कि रा की क्या मिस्टेक हो रही है, और यहाँ पर आपको पता ही चल गया होगा क्या मिस्टेक है। अब आ
होता क्या है? आजीविका, आजीविका। तो वा पे कौन सी मात्रा आएगी? इधर छोटी की, जो कि नहीं लगी हुई है। कौन सी मात्रा आएगी? छोटी की। अब देखिए लिखा हुआ है ऊंचाई, ठीक, ऊंचाई जो कि होता क्या है? ऊंचाई। तो यहाँ पे किसके विषय का आपको पता चल रही है? क्या पहचान कर रहे हैं आप इधर? क्या पहचान कर रहे हैं हम? इधर छोटा हुआ है, इधर बड़ा हुआ है। कौन सा आएगा? इधर बड़ा हुआ। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है? घनिष्ठ। क्या लिखा है? घनिष्ठ। होता क्या है? घनिष्ठ। बहुत से बच्चे उच्चारण जैसे करते हैं तो सुनने में मिस्टेक कर देते हैं, उसी तरह से लिख देते हैं वो, ठीक है। तो ता नहीं आएगा इधर, क्या आएगा? था। घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ नहीं होता। अब देखिए पूज्य, क्या लिखा हुआ है? पूज्य। जबकि होता क्या है? पूज्य, हमारे पूज्य। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या मिस्टेक आपको आइडेंटिफाई हो रही है? छोटा हुआ और बड़े हो के। कौन सी मिस्टेक आइडेंटिफाई हो रही है इधर? छोटे की और बड़े की। तो आपको ये सारे शब्द समझ आ रहे हैं कि ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है जो हम उच्चारण के दौरान कर देते हैं या फिर सुनने में कर देते हैं, सुनने में भी कर देते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माइंड में सेट कर लेते हैं कि अरे नहीं ये ही होगा, ये मात्रा आ रही है। तो सुनिए अच्छे से, उसके बाद लिखिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपने पढ़े थे सारे शब्द, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है बच्चों। ये प्रणाम, क्या लिखा हुआ है? प्रणाम। तो लिखा क्या जाता है? प्रणाम। क्या लिखा जाता है? प्रणाम। नाम और नाम में बच्चे बहुत सारे मिस्टेक हो जाती है। प्रणाम है, क्या लिखा हुआ है? प्रणाम। अब देखिए परीक्षा, क्या लिखा हुआ है? परीक्षा। होता क्या है? परीक्षा। तो यहाँ किसकी मिस्टेक आपको दिख रही है? यहाँ पर आप छोटी की मात्रा है, तब लगेगी क्या? बड़ी की मात्रा। क्या लगेगी इधर? बड़ी की मात्रा। अब आप आगे देखिए लिखा हुआ है भगीरथी। क्या लिखा हुआ है? भगीरथी। तो क्या लिखा जाता है? भागीरथी। होता क्या है? भागीरथी। तो यहाँ पर आप किसकी मिस्टेक आइडेंटिफाई हो रही है? भापे कौन सी मात्रा आएगी? बड़े आगे भागीरथी, ठीक है। यहाँ पर किसकी आइडेंटिफाई हुई थी? पी की। यहाँ पर ना की और ला। अब देखिए लिखा हुआ है वाल्मीकि। क्या लिखा हुआ है? वाल्मीकि। लेकिन होता क्या है? वाल्मीकि। क्या होता है? वाल्मीकि। क्योंकि जैसा आप बोलते हैं वैसा ही आप माइंड में सेट कर लेते हैं, इसलिए ढंग से उच्चारण कीजिए उसका, जिससे कि आप अच्छे से लिख पाए। क्योंकि अब जैसा आप उच्चारण करेंगे वैसा ही आप लिखेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है श्रीमती। क्या लिखा हुआ है? श्रीमती। होता क्या है? श्रीमती। ये आपका बहुत जरूरी है शब्द, बार बार आते हैं तो कॉमन सेंस भी है इसमें। ता पे छोटी की मात्रा लग रही है यहाँ पर, पढ़ लिए क्या है? गलत। कौन सी मात्रा आती है? बड़ी की मात्रा। कौन सी मात्रा आती है बच्चों? बड़ी की मात्रा। अब देखिए नेक्स्ट स्थाई। क्या लिखा हुआ है? स्थाई। लेकिन होता क्या है? स्थाई। यहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी, स्थाई ये वाला नहीं आएगा। क्या आएगा? स्थाई। यहाँ पर किसकी मिस्टेक आ रही है? यहाँ पर ई बड़ी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बड़ी की मात्रा आती है। यहाँ पे क्या आएगी? बड़ी की मात्रा। तो ये गलत है। ये सारे शुद्ध शब्द हैं, इनको हमने पढ़ा है। शुद्ध हम कैसे करेंगे? उच्चारण करके। जब हम उच्चारण सही करेंगे तो इट मीन्स हम लिखेंगे भी सही, ठीक। आगे देखिए कवित्री। क्या लिखा है? कवित्री। होता क्या है? कवित्री। होता क्या है? कवित्री। इसमें कहां मिस्टेक आपको है? यहाँ पर वा पे छोटी की मात्रा लगी हुई, जबकि यहाँ पर नहीं आएगी। ये शुद्ध है इसका, कवित्री होता है, कवित्री, कवि और कवित्री, ठीक। अब देखिए हस्ताक्षेप। क्या लिखा हुआ है? हस्ताक्षेप। तो होता क्या है? हस्तक्षेप। किसी भी काम में हस्तक्षेप हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप जरूरत अपनी नहीं समझ रहे हैं तो किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो मिस्टेक आई है वो किस चीज की आई है? अनुस्वार और अनुनासिक की। दो होते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। महंगा, क्योंकि आएगा क्या? महंगा, ये आएगा चंद्र बिंदु पे। अनुस्वार अनुनासिक की मिस्टेक तो बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है। इनको समझने की बेटा आपको बहुत जरूरत है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? साप्ताहिक। क्या लिखा हुआ है? साप्ताहिक। होता क्या है? साप्ताहिक। क्या होता है? साप्ताहिक। अब आंख भी, जैसे आंख है, दांत है, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो अनुस्वार और अनुनासिक को इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो हमें उन्हें समझने की है। अब ये लिखा हुआ है स्थायी धुन। क्या लिखा हुआ है? स्थायी धुन। होता क्या? स्थायित्व। छोटी की मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी।
और यहाँ पर सापे बड़े अ की मात्रा आएगी। अब देखिए लिखा हुआ अत्यधिक, होता क्या है अत्यधिक, अत्यधिक मीन्स बहुत ज्यादा, यहाँ पर लिखा हुआ अत्यधिक, लेकिन क्या उच्चारण करना है हमें अत्यधिक। अगर हम उच्चारण सही करेंगे तो हम लिखेंगे भी सही, अगर गलत उच्चारण करेंगे अत्यधिक करेंगे तो हम लिखेंगे भी अत्यधिक। जो हम देखेंगे, जो हम पढ़ेंगे, जो कोई हमको याद हो जाता है वो ही हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये अशुद्ध से शुद्ध हमें कैसे बनाना है, हमें कैसे उच्चारण करना है जिससे हम वर्तनी शुद्ध लिख सके, मात्रा सही लिख सके, शुद्ध लिख सके, जिससे कोई भी मिस्टेक ना हो। आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा ये, और आशा करती हूँ कि घर पे भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे शब्दों को। आप क्या करेंगे, होमवर्क में दोबारा से लिखेंगे, पहले बोल बोल के लिखेंगे जिससे कि आपको पता चल जाए कौन सी जगह कौन सी मात्रा आनी है, उसके बाद आप रिपीट करेंगे शब्दों को, फिर देखेंगे खुद से कि हम सही लिख रहे हैं या नहीं, हमको ये सारे शब्द अच्छे से आए हैं या नहीं आए, ठीक है, उच्चारण को सही करना है। तो आपका ये होमवर्क है, जितने भी सारे शब्द कराए गए हैं आपको सामान्य अशुद्धि तथा उनके शुद्ध रूप जो टॉपिक कराए गए उसको अच्छे से आप इनको कॉपी पे लिख लेंगे, उसके बाद उच्चारण अच्छे से करेंगे जिससे आप मात्रा भी अच्छे से लिख सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।